किसानों का विरोध जो है वो मुख्यतः तीन बिंदु पर है। पहला कि सरकार जो है वो MSP को ख़त्म करना चाहती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट मार्केट बना रही है जिससे कि मंडियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और एक बार जब मंडियां ख़त्म हो गई तो फिर MSP पर सामान नहीं बिकेंगे। दूसरा जो उनका भय है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है समझौते में जब फार्मिंग करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें कृषि में अगर वो अपने समझौते पर पालन जो भी उसमें समझौते में नियम है, एग्रीमेंट्स है, करार है, उस पर वो अगर खड़े नहीं उतरते हैं तो हो सकता है कि सरकारी जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वो उनके ज़मीन को हथिया लिया जाए। तीसरा कि इस प्रोड्यूस में जो लोकल कंपनियां हैं, जो प्राइवेट निजी कंपनियां हैं, वो किसान की संपत्ति पे, किसान के ज़मीनों पर कुछ ऐसी निजी इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी अवसंरचना का निर्माण करेंगे जो कहीं ना कहीं उसके खेतों को, उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है इस एग्रीमेंट के तहत। दूसरा कि किसानों को जो है वो विधिक न्याय और इस तरह की जो है वो लीगल चीज़ों की समझ नहीं है, कम है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो और उनके बजाय जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनके पास तो वकीलों की एक पूरी फौज होती है, तो उस पूरी फौज का फ़ायदा उठाकर हो सकता है कि किसान के साथ जो है वो अन्याय हो, उसका शोषण किया जाए। और सबसे अंत में जो समस्या ये है कि वो इसको इस पर डरते हैं, वो मानते हैं कि हमें जो है MSP को आप कानूनी जामा पहनाइए और इसे एक अधिनियम के रूप में पारित करिए, जो कि अभी अधिनियम नहीं है लेकिन उसे आपको पारित करना है। लोग जो है वो इस बात से, खास करके जो हरियाणा और पंजाब में जो किसान है, वो इस बात से भयभीत है कि कहीं सरकार MSP ना ख़त्म कर दे, जिससे क्योंकि सरकार जो MSP पर फसल बेचने वाले लगभग 40-45% जो फसल है पूरे देश में बिकती है MSP पर, उस वो आते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों से ही, और इसीलिए उनको इस बात का सर्वाधिक भय है। इसके अतिरिक्त जो एपिडेमिक जो कंट्रोल है, जो खास करके जो है एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट है, जिसमें जो है वो निश्चित सुरक्षित करने वाला जो कानून है, उसमें तहत ये हो सकता है कि उसमें किसानों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके या उसे बहला फुसला कर कम कीमत पर सामान खरीद कर उसका भंडारण किया जाए, और आगे चलकर जब उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसको ऊंचे प्राइस में बेचकर चीज़ों से मुनाफा कमाया जाए, यानी कि जो बेचने उगाने वाला किसान है उसको भी कम कीमत मिलेगी और जो ख़रीदने वाला व्यक्ति उसको ज़्यादा कीमत पर देनी पड़ेगी, और बीच का मुनाफा जो है वो निजी कंपनियाँ उठा लेंगी। ये जो उसका एक किसान समस्या का जो किसान का जो विरोध है इन तीन प्रमुख बिंदुओं पर है। तो कृषि बिलों के पक्ष में आप देख लेते हैं कि क्या क्या नियम है, क्या क्या तर्क हैं। तो पहला तो ये है कि क्योंकि वो किसान जो है वो अपने हित से, अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी फसल को जब चाहे जहाँ चाहे बेच सकता है, तो उसकी आय में जो है बढ़ोतरी होती है, जो स्वतंत्रता होती है बिक्री में, जो कृषि में आधुनिकीकरण होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो बाहर के लोग इसमें निवेश करेंगे, निवेश से क्या होगा कि मशीनी टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा, साइंस एंड डेवलपमेंट का रिसर्च होगा, ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोसेस में जब अनुसंधान होंगे तो उसमें कृषि की जो है उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ेगी। छोटे व सीमांत किसान को ये छूट मिलेगी कि जो पहले अपने छोटी छोटी फसलों को वो मंडी तक ले जाते थे, फिर मन माने दाम पर जो है वो मंडी के जो है प्रभावशाली लोग और गुट और यूनियन के लोग अपने हिसाब से उसे खरीदते थे, अब वो जो है वो अपने हिसाब से किसी भी प्राइवेट बॉडी को, प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनियों को वो बेच सकता है। अब अलग अलग हितधारकों पर इसका प्रभाव क्या है, तो किसान जो है अब उत्पादक के साथ साथ विक्रेता भी बनेगा। अब कृषि बिलों के विपक्ष में क्या के तर्क जा रहे हैं, तो पहला कि ये संघवाद के खिलाफ है, क्योंकि राज्य जो है वो मंडियों पर कर लगाते हैं और मंडियों में जो सामान बिकता है जिससे राज्य को सीधा सीधा राजस्व आता है। अब अगर किसान जो है जब मंडियों में सामान कम बिकेंगे, मंडियों से अनाज नहीं बिकेंगे, तो जो राज्य को कर कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं राज्य की जो है वो आर्थिक जो आप कहते हैं स्वतंत्रता है उस पर कहीं ना कहीं चोट है। दूसरा जो कृषि, जो मुख्यतः कृषि जो है वो एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन कृषि से जुड़े हुए व्यापार और वाणिज्य को बाद में जो है संवर्ती सूची में रख दिया गया है, लेकिन मुख्यतः कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस पर सरकारें, केंद्र सरकारें नियम कैसे बना सकती हैं। केंद्र की दलील क्या है कि ये कहना है कि खाद्य वस्तु का व्यापार एवं वाणिज्य जो है वो संवर्ती सूची का विषय है, और इसलिए हम इस पर संवैधानिक रूप से नियम कानून बना सकते हैं। दूसरा इसमें विपक्ष ये आता है कि परामर्श का अभाव, सरकार ने इसे बिना किसी के परामर्श के अपने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, और सरकार जो है वो निरंकुश होती जा रही है, विपक्ष का सम्मान नहीं कर रही है, और इस तरह से सरकार जो है सारी की सारी ज़मीनें जो है वो किसी दो गिने चुने उद्योगपतियों को देने का एक षड्यंत्र रच रही। इस तरह से विपक्ष ने भी बहुत इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की प्रयास किया है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो समिति है यह सूची समाप्ति हो जाएगी। किस तरह समाप्ति हो जाएगी कि ये मान रहे हैं कि अगर जब मंडियों में समाज बिकेगा ही नहीं तो फिर न्यूनतम मूल्य पर कोई खरीदेगा ही कौन, और इसीलिए जो हमको अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है वो सरकार चाहती है कि इसकी समाप्ति हो जाए, और इसीलिए इसके पीछे के ये सारे षड्यंत्र हैं और ये तो केवल एक नाम मात्र कानून लाया गया है। ठीक है, इसका औचित्य ये पूछ रहे हैं कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, ये कानून में कहीं नहीं लिखा कि MSP पर सरकार जो है वो इसको वापस ले लेगी, इसका कभी डायरेक्ट रेफरेंस भी नहीं है, और बार बार सरकार ने स्पष्टीकरण भी दिया है कि MSP थी, है और रहेगी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी लोकतंत्र में एक सरकार किसानों के विरुद्ध कोई फैसला लेने से पहले 10 बार सोचेगी, और MSP हटाना एक बिल्कुल ही राजनीतिक रूप से जो है वो बहुत ही नुकसानदायक कदम होगा। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, जो लोकतंत्र में जहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, इस तरह के नियम नहीं उठा सकते हैं। बार बार ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि MSP नहीं रहेगी, लेकिन किसानों की एक नई मांग है कि MSP को अब कानूनी जामा पहनाकर इसे सुनिश्चित किया जाए, और जो व्यक्ति MSP पर कम पर खरीदेगा उसे फिर दंडित किया जाए, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखता है बहुत से अर्थशास्त्रियों के हिसाब से। प्रतिकूल की बाजार की स्थितियां जो है प्रतिकूल हो जाएंगी, गैर MSP मंडियों में किसी भी प्रकार के कानून और नियमों का अभाव होगा, और इसलिए यह होगा कि वहां भी शोषण होगा, लेकिन शोषण तो अब जो है वो मंडियों में भी हो रहा है, तो गैर में हो तो उसमें कम से कम किसान को ये आज़ादी है कि वो चाहे तो बेचे चाहे तो ना बेचे, तो मंडी ख़त्म करने के जो उसके तर्क हैं वो भी आप देख सकते हैं। मूल्य का जो निर्धारण प्रणाली है अब वो केवल और केवल क्या हो जाएगा कि वो किसानों के विरुद्ध उसका उपयोग करके उसका शोषण किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा जो है वो अनदेखी हो जाएगी, क्योंकि सरकार जो है वो कहना चाह रहे हैं कि जब बाहर MSP APMC से बाहर मंडी से बाहर सामान बिकेगी तो सरकार खरीदी कम करेगी, और जब सरकार खरीदी कम करेगी तो जब विपत्ति की स्थिति आ सकती है तो हो सकता है कि सरकार के पास खाद्यान्नों की कमी हो जाए, और कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के साथ ये अनदेखा होगा। दूसरा हितधारक क्या है, तो उपभोक्ताओं पर अब काफ़ी जो है वो कम लागत पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, तो इस जो खास करके खाद्य एवं कृषि खुदरा बाज़ार में दो सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने अवानी और रिलायंस का जो है प्रवेश हो रहा है, और यह भी जो है वो हितधारकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्यों होगा, तो इस पर भी कहीं ना कहीं इस पर भय है। दूसरे जो के प्रभाव है कि उपभोक्ता पर अब ये ऐसा माना जा रहा है कि इन तीन जो बिल हैं, विधेयक हैं, इसके आने से बाद जब प्राइवेट रूप से प्राइवेट कंपनियाँ डायरेक्ट निजी कंपनियाँ सीधे सीधे किसान से अपना फसल खरीदेंगी, तो उनको एक्स्ट्रा जो कर हैं, किसान को अलग से कर देने होते थे, उन कंपनियों को कर देने होते थे, जो भाड़ा होता था, किराया होता था, वो कम लगेगा, तो कम प्राइस में सामान बिकेगा, तो उपभोक्ताओं को अब जो उत्पाद है वो काफ़ी कम लागत पर मिलेंगे, ये एक माना जा रहा है। लेकिन सही मायने में ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। मध्यस्थता और आढ़तियाँ, जो मंडियों में आढ़तियों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, और इसीलिए पंजाब और हरियाणा जो है वो अधिक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो 60-70% जो आबादी है वो कृषि से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और उसमें भी जो इन्फ्लुएंशियल जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो आढ़तियाँ हैं, और हर एक घर में आप समझिए कि हर एक गांव में 3-4 आढ़तियाँ हैं, तो वो आढ़तियाँ सिस्टम पर उस पर चोट लगेगी, जो उनकी कमाई होती है वो बंद हो जाएगी। तो जो पहले चले आ रहे प्रिविलेज जिनको अलग से मिल रहे हैं, कभी ना कभी उसके प्रिविलेज को हम ख़त्म करते हैं तो एक विरोध तो होता ही है। अभी होता ये है कि इस तरह से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो हैं वो UP, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन राज्यों में, खास करके बिहार जैसे राज्य में जहाँ APMC का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो वहाँ से जो है कम दाम पर फसल खरीद कर फिर FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर अलग लोग को MSP पर ही बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनको आढ़तीय को जो फ़ायदा होता है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, और यही बहुत से अर्थशास्त्रियों का, बहुत से एग्रीकल्चर जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका यही मानना है कि इसीलिए मुख्यतः ये आढ़तियों का यह आंदोलन है, और प्रभावशाली बड़े किसानों का यह आंदोलन है जिनके पास ज़मीनों की संख्या बड़ी है, जिनका कहीं ना कहीं कृषि व्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था पर अपना एक दबदबा रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि छोटे किसान, मझोले किसान इसमें विरोध प्रदर्शन नहीं आ रहे हैं, ये केवल बड़े और ऐसे किसान हैं जो स्वयं, जिनके पास ज़मीनों की संख्या, पट्टे की संख्या ज़्यादा है, वो कभी किसानी अपने स्वयं से नहीं, वो अपने से बाहर से मजदूर लाकर किसानी करवाते हैं, और उनका जो एक पकड़ है, और वो कहने की आर्थिक पकड़ ढीली हो जाएगी, इसलिए जो है वो खास करके इसका जो है वो आंदोलन कर रहे हैं बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का, और बहुत सारे कृषि विशेषज्ञों का ये राय भी है। ठीक है, राज्य सरकारों को जो विभिन्न राजस्व के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मंडी कर में गिरावट आएगी तो मंडी की अवसंरचना में भी गिरावट आएगी, और विरोध को समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो सरकार ने बातचीत की है, 12 से 11 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं,
दल की मीटिंग हुई है, 12 दौर की मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन जो किसानों का जो अड़ियल रवैया है और साथ ही साथ सरकार का भी अड़ियल रवैया है कि हम नहीं कर देंगे, और वो भी कह रहे हैं कि हम आपको तीनों के तीनों विधेयक वापस ही लेने होंगे, तो इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। आपस में बैठ कर, मिल बैठ कर एक जो है कंसेंसस बनाना पड़ेगा, एक ज्वाइंट कंसेंसस बनाकर ही एक नई नीति को हम मना सकते हैं, अमल में ला सकते हैं, क्योंकि अंततः करना ये है कि कृषि क्षेत्र को हमें एक व्यावसायिक रूप से लाभकारी क्षेत्र बनाना है, उसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कभी सुधार किए गए हैं तो जो पुराना वर्ग है उसने विरोध किया ही है, लेकिन सरकार को जब अगर लगता है वो सही है, और बहुत से कृषि विशेषज्ञ हैं या आर्थिक विशेषज्ञ की नज़रों में ये किताब और ये नियम जो है वो सही भी दिखते हैं, कुछ मुद्दों पर विशेषज्ञ भी आपस में बटे हुए हैं तो बहुत इसमें कठिन हो जाती है, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कोई कदम सही उठा रही है तो उसे झुकना नहीं चाहिए, अपनी बातों को लोगों तक और आसानी से पहुंचाए, और जो प्रोपोगंडा है जो खासकर के विदेशी मीडिया इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, भारतीय राजदूतों पर, भारतीय दूतावासों पर जो इसका प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इस तरह से जो भारत को मलिन करने की छवि है उसका कहीं ना कहीं भी हमें इसकी संज्ञान लेनी चाहिए। जो 26 जनवरी को जो घटना हुई, इस किसान आंदोलन की आड़ लेकर जो असामाजिक तत्वों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और 10-15 मिनट तक दिल्ली जो है वो हड़दंगियों के हाथ छोड़ दी, तो इस तरह के चीज़ों से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, उन्हें अपनी बात को समझाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि किन नीति नियमों कारणों से आपको ऐसा लगता है कि आपके विरुद्ध हैं, किसानों को भी अपना अड़ियल रवैया छोड़कर बातचीत पर मानना चाहिए कि इस नियम को, इस विधेयक को, इस व्यवस्था को कुछ समय दें, लगने दें, अगर कहीं आपसे नुकसान हो रहा है तब फिर इसमें फिर बदलाव ज्ञान दें, क्योंकि जो परिवर्तन है, रिफॉर्म, सुधार की तो आवश्यकता है हर क्षेत्र में है। जिस तरह से सती प्रथा के में भी सुधार आया था तब भी लोगों ने विरोध किया था, बाल विवाह में सुधार आया था तब भी लोगों ने विरोध किया था, तो पुराने चली आ रही व्यवस्था से जो लोग चले आ रहे होते हैं वो नई व्यवस्था का विरोध करते हैं, लेकिन हमें उसके औचित्य को देखते हुए उसे लागू करना है, तो इस तरह से विरोध को समाप्त करने की जो है वह स्थिति हो सकती है। कुछ अनुशंसाएँ की गई हैं, खासकर की कृषि अनुसंधान की गई है कि प्रथम भारत को मंडियों के जो है वो घनत्व में बढ़ाने, मंडी और बढ़ानी होंगी, और जो है उसको जो FPO है ना, जिसे हम कहते हैं कि कृषि उत्पाद संगठन, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, विलेज प्रोड्यूसर, तो इस तरह से गाँव में भी अलग अलग कम्युनिटी बनाकर सुधार करनी होगी। अगर मंडियाँ खुद आपस में सुधरी होंगी, वहाँ पर राजनीतिकरण कम होगा, तो किसान प्राइवेट में क्यों जाएंगे, मंडियों में ही बेचेंगे, तो इस तरह से मंडियों का भी सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है, एकीकृत लाइसेंस देने की आवश्यकता है, आम सहमति का निर्माण, और इसीलिए इसका निष्कर्ष हम ये दे सकते हैं कि मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थाओं के बिना मुक्त व्यापार लाखों पर असंगठित छोटे किसानों पर जो है कहीं ना कहीं हानि पहुँचा सकता है, जो बहुत ही अधिक उत्पाद होते हैं। यहाँ महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना हम पर किसानों का काम था, किसानों ने काम किया है। कृषि क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार 2 वर्षों से आप विकास देख रहे हैं, 3.2%, तो कहीं कहीं 4% के आसपास भी विकास मिल रहा है, तो हमें इसकी जो है महत्ता को कम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें सुधार करने की अगर आवश्यकता है तो उसे भी ज़रूर करना चाहिए। अब इसी से जुड़ा एक और टॉपिक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको देख लेते हैं।